वेलकम वेलकम वेलकम, एक और बार आप सभी का स्वागत है आज के एक नए सोलो वर्सेस कोड वीडियो में। आज हम लोग खेलने वाले हैं हीरो एक वन स्टार की लोबी में सोलो वर्सेस कोड गेम। अब तक मैं खेल रहा था डायमंड फोर की लोबी में पिछले दो गेम प्ले से, और उसमें होता क्या है पता, डायमंड फोर की लोबी में लोग बहुत ही गंदा ट्राई हार्ड करते हैं क्योंकि उनको जाना होता है हीरोइक में, बट हीरोइक में एक बार आने के बाद उनको पता है अचीवमेंट जो है वो अनलॉक हो चुकी है। अभी हीरोइक में हम आ चुके हैं आराम से, अभी नॉर्मल गेम प्ले करेंगे, मतलब वो लोग इतना नहीं सोचते, कहीं पे भी घुस के खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और वैसे में ये वाली लोबी वही होने वाली है, मैं उतरा हूँ पिक के ऊपर, लेट्स गो। पिक एक बहुत बढ़िया जगह है भाई, और मेरे पास में उतरे टोटल 12 प्लेयर जितना मैंने गिना। ओके, तो 12 प्लेयरों में मेरे को मिला है ओग और P90 एक पीछे की साइड जा रहा है, और थोड़ा सा गन फायरिंग यहाँ से भी आ रहा है। ये वालों को पहले देखते हैं, बाद में वो पीछे वाले को जाके मारेंगे। नहीं भाई, पीछे फाइट होना स्टार्ट हो गया, पहले तो इधर से फायर आ रहा था। ये चल क्या रहा है भाई, ये मिल चुका है हमें लेवल 2 का वेस्ट भी। 49 प्लेयर अलाइव, अब तक सिर्फ 2 ही प्लेयर एलिमिनेट हुए क्या, मेरे को लगा 3-4 हो गए होंगे। ये देखो एक नमूना, नो हेडशॉट, ऐसे हमने इसे डाउन कर दिया है, और मिल चुका है हमें इसी के साथ हमारा पहला किल इस गेम का पिक के ऊपर। यहाँ पे पुष्टे बाहर है भाई, कितने प्लेयर लगते, एक मिनट भाई, अचानक से आया बट ठीक है, बहुत ही तगड़े P90 के हेडशॉट। कितने प्लेयर है भाई वहाँ पे, पीछे से भी एक है, एक वहाँ, ओह एक मिनट, किसका सोनिया एक्टिव हुआ ऐसा लगा, घुसे क्या, मतलब दे क्या अंदर जाके दे। ये भाई लड़की है भाई साहब, अभी असली मजा आने वाला है क्योंकि इसको मैं पकड़ू। अच्छा यहाँ पे जगह ही नहीं है भाई, मैं ना ये वाली, ये गई डाउन, पूरा खत्म, ये मिल गया हमको एक एक्स्ट्रा के लिए। कौन फेंक रहा है भाई ग्रेनेड, और वो भी जहरीला ग्रेनेड, नॉर्मल वाला होता तब भी सही है। कोई तो है यहाँ पे, ये रहा देखो, अरे एक नंबर भाई, मेरे को लगा था कि ओके चलो कोई ना, इसको पूरा खत्म करते हैं, और इसी के साथ हमारे हो चुके 5 किल भाई। ये M40 अजीब, एक मिनट, अजीब तो है यार M40, आराम से ग्लू वॉल डालेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 41 प्लेयर अलाइव, 42 ओके, एक और गया। ये सोच क्या रहा था, इसकी मानसिकता क्या थी ऐसी, ये अलग ही प्रकार के जानवर आ चुके हैं गेम में। मतलब इसने पहले तो एक ऐसी पोजीशन ली जहाँ पे वो मेरे को मार ही नहीं सकता, मतलब उसके सामने मैं अचानक से आ गया, वो कैसे मारेगा भगवान जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा था। उसके बाद जब उसको 3 सेकंड का टाइम मिला मेरे को मारने के लिए, तब उसने एक भी गोली मेरे को नहीं मारा, या तो फिर तुम पैकिंग करो अगर तुम्हारे पास डिमिट्री है तो, बट उसने वो भी नहीं किया। मतलब उस प्लेयर ने मेरे को समझा नूबड़ा, कि सामने कोई है जिसने मेरे को डाउन किया है एक ही झटके में, वो नूबड़ा कोई है, आराम से हम रिवाइव हो जाएंगे, वो थोड़ी ना मेरे पास आएगा, बट हमने घुस के मारा। यार ये मानसिकता ना हीरोइक वन स्टार वाले लोबी में मिल जाती है कहीं प्लेयरों में, क्योंकि वो ना हीरोइक में आने के बाद ऐसा सोचते कि भाई सभी तो सामने नूबड़े ही हो गए, हमने हीरोइक किया है भाई, हमको पता है कैसे खेलना होता है। 44 प्लेयर अलाइव, 44, और 6 मैंने किल करे हैं, मतलब कि 1-20 कोड अभी तक एलिमिनेट नहीं हुए पूरी की पूरी। ये थोड़ा अजीब ही है भाई, डायमंड 4 का लोबी, डायमंड 4 नहीं, मेरे को खेल खेल के डायमंड 4 का आदत हो गया, बाकी ये है हीरोइक वन स्टार वाला लोबी, और यहाँ पे ये चीज़ें कॉमन है, स्कोर इतनी जल्दी एलिमिनेट नहीं होती है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना, क्योंकि तुम्हारा भाई अज्जू भाई 94 मतलब कि मैं ऐसे ही प्रो वाले गेम प्ले वीडियो लाता रहता है। आजकल तो भाई फ्री फायर कम्युनिटी में अपने आप को प्रो बोलो ना तब भी कंट्रोवर्सी हो जाती है, वैसे मैं प्रो नहीं हूँ, मैं हूँ नूब, नूबों का सरदार। भाई ये प्लेयर मर क्यों नहीं रहे हैं, ये अजीब है गेम। नीचे देखो वहाँ पे कोई डब्बा लूट रहा है, मेरे ख्याल से बीमा शक्ति जाना चाहिए, और अगर इस गेम को मैं बुइया करता हूँ तो मेरा मानना ऐसा है कि 20 के ऊपर किल आराम से जाएंगे, बट सच बताऊँ तो मेरे को ये गेम में बुइया की उम्मीद अभी इस टाइम पे तो नहीं लग रही है। अगर तुम देखोगे भाई प्लेयर मर रहे रिवाइव हो रहे हैं, मर रहे रिवाइव हो रहे हैं, अजीब ही है गेम है कि फिर ये क्या चालू क्या है इसका। अच्छा भाई बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपने टीममेट्स को रिवाइव करने के लिए, लेटा दिया फाइनली हमने इसको। भाई जो भी बोलो P90 आजकल UMP से बेटर चल रही है, बस दिक्कत क्या है पता है, कई बार P90 अच्छा डैमेज नहीं देती है और UMP ज़्यादातर टाइम, मतलब देखो अच्छा डैमेज तो UMP भी नहीं देती है, बट उसका ना एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड पे वो रहती है। P90 कभी कभी पानी में बैठ जाती है। डैमेज क्या होता है भाई, ये हम नहीं देते ऐसा बोलता है P90 कभी कभी, तो इस वजह से P90 को बोला जाता है धोखा देने वाली गन।
भाई माँ कसम, इसका जो मैंने फुस्टेप सिर्फ सुना और मैं वेट कर रहा था आए और तुरंत मार दू, और मार दिया भाई। वोरियो ने मेरे पास, मैंने शो पीस के लिए नहीं रखा है इसको। भाई 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 बच तो गया हूँ मैं। अब उसका रीजन ये है कि सामने वाला पहली बार आई थिंक हीरोइक में आया है और उसको लगा होगा कि सामने है डायमंड फोर वाला प्लेयर, निपटा देंगे। तो इसने क्या किया, हमारे ऊपर किया हमला। ओ एक मिनट, यहाँ पे कुछ तो हलचल हुई है अभी यार। एक गोली वो हेड पे लग जाती ना तो काम हो जाता। ओ भाई इसने तो ऑलमोस्ट हमें निपटा दिया था। हमारे पास 120 HP ही सिर्फ बचा था और ऊपर की साइड हो रही है खतरनाक वाली। ओए डिमिट्री एक्टिव ऊपर, ये क्या देख रहा हो भाई। अब तोड़ेंगे हम लोग ग्लू वॉल। ग्लू वॉल तू लगाता जा, मैं तोड़ता जाऊंगा। भागता किधर है तू, अबे नूबड़े पीछे भी देख ले। ये होता M249 खत्म भाई। यहाँ पे जो हमने M249 का स्प्रे किया है ना, सच्ची में बता रहा हूँ, ये लोग ने अगर वीडियो देखा जो सामने वाली टीम ने, तो वो कभी मेरे को नहीं लगता उनका आखिरी गेम था ये वाला। बहुत गंदा M249 का स्प्रे चलाया हमने, मतलब स्पेम किया ऐसे जो बताऊँ तो। ये रहा वो लल्लू लाल जिसने पहले हमें मारने का ट्राई किया था। भाई अब बोलना बोलना कहा है? ये बात भाई, एक और स्क्वाड को हमने एलिमिनेट कर दिया है। यहाँ पे हमने टोटल दो स्क्वाड को एलिमिनेट किया, एक तो घर के अंदर डायरेक्ट किल मिला था, उसके अलावा एक स्क्वाड जो कि हमें ग्लूवल के पीछे अभी डायरेक्ट किल मिला। मतलब हम लोगों ने टोटल दो स्क्वाड को 12 स्क्वाड में से एलिमिनेट किया है। आई थिंक एक गेम में 12 स्क्वाड ही आती है ना, अगर ज्यादा आती है तो मेरे को नहीं पता और अगर कम आती है तब भी नहीं पता, बट 12 स्क्वाड आती है या 11 आती है इतना मेरे को आइडिया तो है, बट बाकी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आजकल सोलो वर्सेस स्क्वाड वाले प्लेयर भी आ जाते हैं तो कुछ भी होता है। वैसे 12 स्क्वाड से ज़्यादा ही आती है क्योंकि दो प्लेयर या तीन प्लेयर सोलो वाले होते हैं हर लोबी में, ऐसा मैंने स्टडी किया है, बाकी तुम लोग बता सकते हो। भाई ये गेम कुछ अलग ही जा रहा है, पता है इस गेम में क्या चल रहा है मेरे को खुद को नहीं मालूम। मैं ऐसे घूम रहा हूँ गाड़ी लेके, कहीं पे प्लेयर मिलेंगे मार देंगे। और वैसे भी मेरे को कोई रैंक का टेंशन नहीं है, रैंक का टेंशन उनको होता है जो पहली बार हीरोइक वगैरह आते हैं कि भाई हीरोइक किया है, दो तीन दिन तो हीरोइक में रहे कि हमारा क्या है भाई हीरोइक, ग्रैंड मास्टर यहाँ पे तो इधर उधर जाके आ जाते हैं भाई, कोई बड़ा बात नहीं है, इस वजह से हम खुल के खेलते हैं। और बाकी तुम्हें पता ही है, पहले मैं क्या करता था हीरोइक में आने के बाद, हीरोइक मेंटेन करने का ट्राई करता था, ऐसे गाड़ी लेके नहीं घूमता था, एक जगह पे बैठता था कि भाई पिक मिलना चाहिए सही वाला। मतलब अगर हमारे पास सॉलिड कवर होगा, एक पैकिंग में रहेंगे, एक डब्बे के पीछे रहेंगे, तो मे भी हम जिंदा रह जाए जब हमारी फाइट किसी के साथ हो तो। और ये थी मेरे 2020 और 2019 के गेम प्ले की, तब मैं ऐसी सोच रखता था। और अभी तो 2023 है, यहाँ पर अज्जू भाई बन चुके हैं एक बहुत ही काबिल प्लेयर। अगर अभी के टाइम में मेरे सामने में गाड़ी लेके खुले में घूम रहा हूँ और अगर एक स्क्वाड पूरी या दो स्क्वाड पूरी की पूरी प्रकट हो जाए तो मैं दम रखता हूँ उसके बीच में जाके 8 या 4 प्लेयर को तो ऐसे ही काट के रख दूँ। बाद में अगर मर जाऊँ तो बात की बात है भाई, अभी भी इतना 100% सक्सेस रेट तो किसी का नहीं होता भाई। 3-4 स्क्वाड में से एक आध तो मार ही देगी तुमको, बट आ 3 प्लेयरों को तो निपटा दूंगा। जैसे ये निपट गया बॉडी बॉडी से भाई। ये P90 में ना एक और चीज़ है कि इसका ना वो जो आता है ना वो क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट अपन का डिफ़ॉल्ट बुलेट रखता है राइट। तो जब डिफ़ॉल्ट बुलेट लगती है तो गन भी प्लेयर के साथ, अगर प्लेयर भागता है ना तो साथ में जाती है, जस्ट लाइक ट्रोगोन गन राइट। ट्रोगोन गन में भी वैसा होता है कि प्लेयर अगर भागेगा थोड़ा बहुत तो उसके साथ ट्रोगोन जाती है, वैसे ही P90 में होता है, UMP में कम होता है। तो इस वजह से P90 चलाओ अगर तुमको बॉडी बॉडी मारना है तो। और गेम में क्या होता है तो मैं बताता हूँ, अगर तुमको कूल नहीं बनना है ना तो हेडशॉट कम मारो। जैसे मेरे हेडशॉट अगर लग गए तो ठीक है, वरना मैं हेडशॉट के लिए नहीं जाता। मेरे को चाहिए कि मैं सामने वाले प्लेयर को कुछ टाइम के अंदर ही नॉक कर दूँ, वो फिर मेरे को अगर हेड मार के मिल रहा है या बॉडी मार के मिल रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को सामने वाला बंदा मरा हुआ चाहिए ताकि मेरा फायदा हो। तो इस वजह से ज़्यादा कूल नहीं बनने का, मॉन्टेज अच्छे लगते हैं हेड वाले, बाकी ये फुल गेम प्ले में तो बॉडी बॉडी भी मारो भाई। ओरियन लेके आए हम लोग। एक मिनट, हमारे पास एक और कैरेक्टर है, देखा ड्रोन जाएगा और उसको कर देगा अभी। अरे लल्लू के ऊपर फूटा तो है ड्रोन, बट हम लोग ड्रोन को फॉलो नहीं किए। ये घूम के आएगा अंदर, नहीं नहीं हम गलत सोच रहे थे भाई, ये तो बहुत गंदा वाला नूब था। ये नूब नहीं था, इसने ना कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया। प्लेयर अच्छा था, इसने फाइट नहीं करी। कई बार ये होता है, मैं भी कई बार ना ऐसा गलत डिसीजन ले लेता हूँ कि भाई मैं सोचता हूँ थोड़ा पीछे जाके फाइट करूँगा, बट तब तक सामने वाला प्लेयर मार देता है, हमको पोजीशन लेने नहीं देता है।
तो ये चीज कॉमन है। 16 किल हमारे हो चुके हैं, 15 प्लेयर अलाइव है यहाँ पर। क्या अभी इस गेम को मैं बुइया कर पाऊंगा? मेरे अलावा बचे हैं अभी C4 सिर्फ 13 प्लेयर। तो अब क्या होगा इस गेम में? मिनट भाई 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 भाई। और यहाँ पे हमें मिल चुका है एक वोर किल, 70 किल हमारे हो चुके हैं, गुजराती वाला 70 मतलब 17 वाइट ग्लू वॉल। वाइट फेस देखे भाई, ये लड़की मेरे को प्रो लग रही है। बट हमारे एक मिनट, डिमिट्री भाई ये क्या चालू क्या है? एक और बार ओरियन लगाऊंगा मैं, इसका खून पी लूंगा मैं, फिर भी ये लड़की नहीं मर रही है। और यहाँ पर पिन, मैं ना इसी की बात कर रहा था, सही टाइम आने पे ना P90 धोखा देता है, बहुत गंदा वाला। भाई मेरे को हेड नहीं मारने, हो गया अभी मैं बॉडी मारेगा, क्योंकि बॉडी में P90 बहुत सपोर्ट करती है। बट कभी कभी तुमने अभी देखा ना, मेरे को एक पल के लिए लगा था मेरी जान जाने वाली है, मेरी जा। भाई 18 किल हमने कर दिया यार, मजाक चल रहा है क्या? 12 प्लेयर अभी सिर्फ बचे, 10 नहीं भाई, उसमें से भी मेरे को हटा दो, 9 ही प्लेयर बचेगी। अभी लोग रिवाइव करेंगे तो बात की बात है, बट अभी बचे सिर्फ 9 प्लेयर ओनली। भाई तू मेरे ऊपर गोली चला के ना गलती कर दी तूने। ये भाई गया, मैं ऊपर से भी कोई मार रहा है, खत्म भाई। एक मेडिकेट मार दे तो बस, रश हो गया ना तो मैं गया। चाहिए था एक नोक तो चाहिए था मेरे को। ये भाई तू कब आया इधर पे? हाँ एक और गया भाई, अंदर जाने दे। अब ये ऊपर वाला प्लेयर इनका क्या करेगा ना, वो देखना है। ये मिल गया हमें एक और किल, इसी के साथ मेरे हो चुके 20 किल। हम जैसे प्लेयर को नॉक करते हैं ना, तो हमको कुछ HP गेन होता है, मतलब जो मारा हुआ प्लेयर है उससे हम लोग HP लेके अपने HP में ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे होता ये है कि हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें लगता है कि हम अमर है। क्योंकि अगर हमारे पास ऐसी HP भी आता है ना, तो ऐसी HP के अंदर भी अगर हम में दम है तो ये क्या दो प्लेयर को तो नॉक कर सकते हैं। बस वो दम वाली बात होती है, कई बार मेरे में भी वो दम नहीं होता है, कई बार मैं भी मर जाता हूँ अगर सामने वाला कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रो है तो। बट वैसा होता नहीं है, क्योंकि मैं होता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के ऊपर। चलो एक और पूरी की पूरी स्क्वाड को निपटा दिया है, और इसी के साथ हमारे हो चुके 21 किल। अभी बचे सिर्फ 6 प्लेयर भाई, सीरियसली इतने नज़दीक आ गए बुइया के? अगर यहाँ पे मैं बुइया छोड़ दिया तो गया काम से। और तुम्हें पता है लास्ट 3-4 गेम से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आखिरी में आते मैं गेम हार जाता हूँ। पहले बढ़िया खेलता हूँ बट एंड में बुइया नहीं मिलता है, और वो डायमंड 4 की लोबी में होता था, और ये अभी हीरोइक 1-स्टार वाली लोबी है, तो इसमें तो कुछ भी हो सकता है। ये भाई ये क्या चल रहा है, क्या इस गेम में जोन हमारा साथ देगा? मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि जोन जो है वो थोड़ा सा पीछे की साइड पर जा रहा है, और जब हम पीछे की साइड जोन के अंदर जाते हैं, मतलब एक चीज़ तो तुम्हें याद होगी, जब शेर 2 कदम पीछे हटाता है तो उसका मतलब यह है कि शेर मरने वाला है, झपटा मारने वाला ऐसे ही कुछ है ना। हाँ भाई ये सोनिया वाले कुछ भी करते हैं। डिमिट्री भी लगा दिया इसने, नायरी भी लगा के रखा है, भगवान की कृपा। हाँ भगवान की कृपा से हमारे पास M249 है, जिसे हमने नॉन स्टॉप चलाया और उस वजह से हमें सफलता मिली। वरना डिमिट्री, सोनिया और नायरी ग्लोबल होने के बाद तुम उस प्लेयर को मार पाओ, तुम्हारी मजा ले? नहीं भाई, इसमें तुम्हारे ऊपर भगवान का हाथ होना चाहिए कि जाओ मार के आ जाओ, ऐसा तभी हो सकता है भाई। वरना ये सब पॉसिबल है क्या भाई? हलवा है क्या? 4 प्लेयर बचे सिर्फ अभी, और उसमें से एक मैं हूँ, तो मतलब 3 प्लेयर अभी ऑफिशियली बचे हुए हैं, और उनको ये नहीं पता कि हमारे सामने अज्जू भाई, मतलब अब देखो मैं फिर अपनी तारीफ कर दूंगा तो वहीं लफड़ा हो जाएगा। बट हाँ, इस गेम में मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा। जब भी मैंने गेम में अपनी तारीफ करी है एंड मोमेंट पे, तब मैं उस गेम को हारा हूँ। और पिछले 2 गेम प्ले में डायमंड 4 की लोबी में बुइया लेते हारा हूँ, तो अभी इस गेम में तो मैं बुइया लूंगा, और वो भी डायमंड। एक मिनट, बंदे रिवाइव हो रहे कहाँ? अच्छा पीक वाला जो था वो डब्बा वापिस से हो चुका है ओपन, और वहाँ जाके लोग अपने प्लेयरों को कर रहे रिवाइव। अब मेरे साथ अमित भाई तो खेल नहीं रहे, वरना भी मैं रिवाइव कर दूँ। जैसे मेरे पास 3200 टोकन है, बट उसका फ़ायदा क्या? ये अभी भी रिवाइव करने के लिए जा रहे हैं क्या लोग? भाई ये गेम फिर खेलने का कोई मज़ा नहीं आ रहा इसे रिवाइव होगा तो। ओ नाइस स्ट्रेटजी,
नायरी ग्लू वॉल लेके रश कर रहा है, वो भी अज्जू भाई के ऊपर। हलवा है क्या? अभी तू नहीं मरेगा फिर, तू मारने का है गंभीर। एक मिनट अबे नल्ले, तू अज्जू भाई से भिड़ेगा? औकात है औकात। ओ सॉरी, हमको लास्ट में ना हम इतना वो नहीं करना है भाई, गेम मार जाते हैं फिर। हाँ P90 से डाउन कर दिया भाई यार। ये मेडिकिट मारने दो भाई, कहीं पीछे वाले ने अपने आप को से रिवाइव किया था, किया था उसने, किया था वो, गलती किया था। ये क्या है भाई, ये सेंटिनो बेंटिनो कहाँ भाग रहा है? वो आखिरी प्लेयर है, में भी हमें आराम से मेडिकिट मार के मारने के लिए जाना चाहिए। चलो सेंटिनो भाई, बाय बाय, मिलेंगे एक नए वीडियो में। तो चलो भाइयों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। आई होप तुम्हें ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना। और अगर तुम लोगों ने अभी तक हमारा नया GTA का वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। GTA 5 का भी वीडियो जरूर से जरूर देखना, कमेंट भी कर देना उस पर। बाकी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय। भाई कितना प्लस हुआ? अच्छा मेरा अभी 3200 स्कोर हो गया। बढ़िया है भाई, बढ़िया खेला हम लोग। 26 किल, 25 नहीं 26 किल किया भाई, मजा के क्या।